बासमती की अराइवल साड़ी जिवें सितंबर के 25-26 तरीक तो शुरू हो गई सी ते नाल दे नाल स्टबल बर्निंग के केस भी आना शुरू हुए सी। कह लो झटका ही लग्या कि एक दिन 25 केस, अगले दिन 45-65 ते 85 केस भी एक दिन आए साढ़े। IEC दे उत्ते बहुत जोर सीगा कि कन्विंस करन दा जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट दा कि आपां समझा के कम चलाइए, कन्विंस करिए ताकि लीगल पोलिटिव एक्शन ना करना पे। 130 साढ़े पिंड जिहड़े आ हॉटस्पॉट आ, जिन्हां 'च 5 तों वध अग्गां होईआं जां पिछली वारी जिहड़ीआं अर्ली अग्गां होईआं, बार बार उत्थे जा के साडीआं टीमां ने टच बेस करना। जिहड़ीआं IEC साडीआं वैनस चलदीआं ने उह वी सब तों पहलां असीं 130 हॉटस्पॉट पिंडां नूं भेजीआं। तो पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान दे नाल सारा कवर करके कितने किन्ने बेलर है, किन्ने रेकर चाहिए, सारा समान कितने किन्ना चाहिए। पंजाब दे विच झोने की वाढ़ी जोरां दे चल रही है और इस सब दे विच पराली साड़न के केस जिहड़े सी लगातार सामने आ रहे थे। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के उत्ते पंजाब के जिहड़े वख-वख जिलों का प्रशासन है, इन्हां दे वल्लों किसानां नाल राबता भी कायम किया गया सी, किसानां नाल गलबात भी की गई सी कि पराली जिहड़ी है घट तो घट साड़ी जाए, पर जिहड़े किसानां वल्लों पराली साड़ी गई इस नूं लैके अमृतसर जिहड़ा जिला प्रशासन है इस वल्लों लगातार सख्ती भी की जा रही है। जिहड़ी अज एक फाइनल रिपोर्ट होण तक आई है, इस दे विच करीब 8 लाख रुपए के जिहड़े जुर्माने ने एक किसानां नूं पाए जा चुके ने। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर श्री अमित तलवार जी साढ़े नाल ने, जिहड़े लगातार किसानां नाल भी संपर्क कर रहे हैं, मंडियां दे विच भी जा रहे हैं क्योंकि झोने की फसल की आमद भी जोरां ते है और असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। सब तो पहलां सर, जिहड़ी पराली साड़न के केस ने ये हुण तक किन्ने रिपोर्ट हो गए ने और किन्ने जिहड़े एग्जैक्ट फिगर ने जिहड़े जुर्माने पा चुके ने? अमृतसर जिले दे विच जे मैं गल करां, सब तो पहलां साडी जिहड़ी 80% जिहड़ा एरिया है बासमती दे थल्ले आ। बासमती जिहड़ी वाढ़ी आ बाकी नॉन बासमती परमल वरायटी तो पहला हुंदी है, 15-20 दिन महीना पहला शुरू हो जाती है। उहदे करके अमृतसर का नाम पहला चमक जाता कि जी केस सब तो ज़्यादा अमृतसर से सब तो ज़्यादा, तो क्योंकि उहदी बासमती की अराइवल साडी जिवें सितंबर के 25-26 तरीक तो शुरू हो गई सी ते नाल दे नाल स्टबल बर्निंग के केस भी आना शुरू हुए सी। एकदम बहुत ज़्यादा सानू कह लो झटका ही लग्या कि एक दिन 25 केस, अगले दिन 45-65 ते 85 केस भी एक दिन आए साढ़े। बट साढ़े ऑफिसर्स की टीम नाल असी मिलके जिहड़ी स्ट्रैटेजी 2 महीने तो साड़ी पहला भी चल रही, पहला ही नहीं पहली नहीं, इस तो पहला भी मीटिंग्स बहुत कीतियां। IEC दे उत्ते बहुत जोर सीगा कि कन्विंस करन दा जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट दा कि आपां समझा के कम चलाइए, कन्विंस करिए ताकि लीगल पोलिटिव एक्शन ना करना पे। पिछले 2 महीने तो साढ़े लगातार कैंप चल रहे, 150 कैंप, 10,000 फार्मर जिहड़ा टच बेस, सारा डाटा हैगा साढ़े कोल जी किनों किनों टच बेस किया। 130 साढ़े पिंड जिहड़े आ हॉटस्पॉट आ, जिन्हां 'च 5 तों वध अग्गां होईआं जां पिछली वारी जिहड़ीआं अर्ली अग्गां होईआं, तां 130 पिंडां 'च उहनां नूं बार बार उत्थे जा के साडीआं टीमां ने टच बेस करना। जिहड़ीआं IEC साडीआं वैनस चलदीआं ने उह वी सब तों पहलां असीं 130 हॉटस्पॉट पिंडां नूं भेजीआं। तो पूरा स्ट्रैटेजिक प्लान दे नाल सारा कवर करके कितने किन्ने बेलर है, किन्ने रेकर चाहिए, सारा समान कितने किन्ना चाहिए, तो उहदे बावजूद जदों एकदम साडा होया फिर दैन वी हैड अ मीटिंग सारे SDM ऑफिसर्स नूं इकट्ठा करके। असी वी डू मीटिंग एवरी डे, जां सवेरे करी दी है, शाम नूं करी दी है, रोज़ हुंदी है। फिर इहनों थोड़ा जिहा असी पुनिटिव वाला वी सानूं कम करना पिया, जिहड़ा ज़्यादा तो असी नहीं, जिवें कई जगह FIR वगैरह की गल की, असी नहीं कोई FIR तो नहीं कराई, बट जिहड़ा उहदे विच पुनिटिव एक्शन हैगा कि जिहड़ा एनवायरमेंट कंपनसेशन वन हैज़ टू पे, तो वह किया। प्लस जिहड़ा एक्टिव एक्शन के जदों अग लाई है उदों जाके नाल दी नाल बुझाउणा ते ताकि वह लोगों को विजिबली रहे भी प्रोफेशन एक्टिव हैगा। सो असी उस गल ते ध्यान ज़्यादा हैगा, बाकी अगेन साडा संपर्क कॉन्सटेंटली जा रही है, ऑफिसर्स का कॉन्सटेंटली हले भी कैंप चल रहे हैं। तो उहदे नाल जिहड़ा हुण मैं कह जिवें 85 सी वीक पिछे, तो उस तो बाद फिर अगले दिन घट के 72 तो 48 फिर 48 22 18 हुण अज 8 सीगियां। सो आई होप दैट वी हैव बीन एबल टू मेक एन इंपैक्ट ऑन दैट। सर जिहड़े इह तुसीं कहा कि चलो FIR नहीं करवाईआं गईआं कि इह ज़्यादा सख्त हो जांदा, बट जिहड़े जुर्माने पाए जांदे इह किस हिसाब नाल पाउंदे, जिहड़े एनवायरमेंटल कंपनसेशन है इह किस तरह पाउंदे, प्रति एकड़ दे हिसाब नाल पाउंदे जां जिन्नी अग लई? हाँ जी, इहदा टेबल बणिआ होइआ जी, 1 एकड़ तक 2,500 जां पर एकड़, उस तों बाद जिवें वधदा जांदा ब्रैकेट्स बणिआ होइआं जी, जी किन्ना एरिया, जिन्ना एरिया उहदे अंडर आउंदा। साडीआं टीम्स ने जिवें 250 दे करीब नोडल अफसर ने, कलस्टर अफसर ने 50-60, उस तों बाद जिहड़े SDM नूं सपोर्ट करदे हैं, तो वो फिजिकली विजिट करके देखते हैं किन्ना एरिया हैगा, कौन मालक कौन है, ओनर कौन है,
वो फिर रिकॉर्ड पर भी रहिंदा साडे कोल, सो एक तरह नाल साडे रिकॉर्ड पर चीज़ हैगी भी किहड़े बंदे ने अग लाई किहड़े नहीं लाई। पर सर ये फिर जुर्माना जिहड़ा तुसीं मौके पर अदा करवा लेंदे हो जां कोई उन्हां नूं समां दे दित्ता जांदा? नहीं, उहदे च नोटिस इशू हुंदा 10 या 15 दिन का, 15 दिन का नोटिस हैगा, दे हैव टू डिपोजिट, अदरवाइज इट इज़ उहदे अगेंस्ट उह खड़ा रहिंदा उहदे। सर किन्ने हुण तक केस अमृतसर दे विच रिपोर्ट हो गए? लगभग 550 केस अमृतसर च हैगा। किन्ना जुर्माना हुण तक पा चुके? जुर्माना तुहानूं दस्सिया ही है, अराउंड 7-7 लाख के करीब असीं ऑलरेडी कर चुके हैं। पर यह की हुंदा साडा जिहड़ा 48 घंटे के विजिट हुंदा, जो 2 दिन पहला की पोजिशन है वो अच्छ कवर हो जाती है, फिर अगे 2 दिन अगे चलते हैं। सर जिमें कुछ किसान लगातार साड़ते हैं, इन्हों का माल के रिकॉर्ड के उत्ते भी इन्हों का फिर दर्ज कर देंगे, इदा की भी कोई रिपोर्ट हैगी कि फिर उन्होंने जो रिकॉर्ड के उत्ते भी जो चढ़? नहीं, रिकॉर्ड के उत्ते भी चढ़ता। वैसे मैं तुम्हें दस्या साढ़े को सारा रिकॉर्ड है, जिन्हें भी केसिज होए भी कि मालक ने किन्ने साड़ी है, किन्नी साड़ी, किन्ना रकबा सीगा, वो सारा रिकॉर्ड तो वैसे भी रहिंदा है, पर कुछ केसों के लाल एंट्रियां भी कीतियां ने साढ़े ऑफिसर्स ने। सर मैं जानना चाहुंदा कि किसानों नाल तुसीं लगातार मिल रहे हो, अज भी तुसीं मंडियां च भी गए सी, किसान अपनी वैसे गल दसदे ने कि की कारण दसदे ने कि क्यों अग ला रहे हैं? जिवें तुहाडी टीम जांदी, नोडल ऑफिसर भी जांदे ने, बड़ा हैक्टिक जिहड़ा काम पिछले दिनों तों है, बट कोई अपनी गल रखदे ने तुहाडे अगे कि की कारण दसदे ने मोटा जिहा? देखो जिहड़ा अपने अमृतसर जिले की जो स्पैसिफिक गल करिए, अपने जिवें मैं कि बासमती अर्ली आ जाती है तो हले कणक दे विच टाइम है, तो 1.5 महीने के फार्मर हों एक फसल होर वैजिटेबल वाली आलू या मटर की करिए, वो फसल दे करके अर्ली क्लीयरेंस का जो उन्होंने होंगे ऐतकी की होया कि जिदा अपने वो विंडो जी क्लीयरेंस वाली वो भी घट गई, क्योंकि अपनी पहला पानी आया कई जगह तो रीसो हुई, वो 10-15 दिन का नुकसान हो गया वो लेट होया, तो जी उस तो बाद भी जिमें हम 15-16 को बारिशा सी एक हफ्ता उदों कटाई नहीं हुई, तो उदों फिर विंडो होर कट गई हफ्ता, तो वो करके दे फील के असी सानू तो अर्ली क्लीयरेंस है, असी तो सब्जी लाउणी लाउणी है, तो 45 दिन का पीरियड टाइम शॉर्ट है, तां करके इहो जिहे इंस्टेंस भी है जिते नाल बेलर चल रहे नाल ही अग ला रहे ने साडे कोल, सो मतलब दे आर नॉट वेटिंग कि एक दिन भी हले भी अगले दिन तुहाडे भी चल जाणा बेलर, तो इहो जिहे सिचुएशन हैगियां ने जिहड़ी एक थर्ड क्रॉप जिहड़ी इंटरक्रॉप लैण वास्ते वो ज़्यादा रीज़न नज़र आ रहा। मतलब मैं भी यही है कि फार्मर का यह नहीं कि भी दे हैव देयर ओन दिस एट द बैक ऑफ द माइंड, या उन्होंने कह लो फाइनैशियल मजबूरी है कि जी एक फसल लानी है तो वो करके करना है। सर किसानों के साथ पिंड पद्धर से जिस तरह एक मीटिंग कमेटियां बनिया होंगे ज किसान जथेबंदियां भी थोड़े इन टच रहिंदियां ने, इन्होंने भी गलबात की गई सी और की गई इससे की नतीजे इससे निकले? नहीं, साढ़े को किसान जथेबंदियां देखो मेरे को हफ्ते से हर हफ्ते एक या दो किसान जथेबंदी वैसे ही आदि ने कब लैके मिली, पिछले महीने 2 महीने जिन्हें आ रही साड़ी गलबात जी बाकी चीज़ा की होंगी आ गलबात तो छेड़ती छेड़ती है कि एंड वो सारे इको हुंगारा ही होंगे सारे का, किसी का नहीं है कि भी असी तो समझाने ही है कि भी अग ना ले जाए। सर मौसम के उ भी आप अमृतसर अज मौसम के जी अग लग रही थी इसका असर अभी देखने को मिल रहा जी, और अगले किन्ने दिन तो लगता कि जोड़ा कटाई चलेगी और अग लगन की घटनावान रिपोर्ट हो? देखो डिस्टिंक्शन करनी इन्नी ईजी तुम जिदा किया उदा नहीं है, मैं तुम जिमें कह ही रहा पिछले 4-5 दिन तो लग ही नहीं रही कंट्रोल्ड 18-20 तो उस चीज़ की नहीं है, बेसिकली जो कटाई का सीजन है हवा के ही इन्ना वो पोलेंस होंगे या पर्टिकुलेट मैटर जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर वो हवा च ही होंगे क्योंकि सफाई चल रही है कटाई चल रही है, तो दैट इज़ वो करके है, इट्स नॉट स्मोक एज सच इन दैट सेंस। सर मैं जानना चाहुंदा कि सैकेंडली तुसीं किसानां नूं तो मिल रहे मंडियां च भी जा रहे हो, झोने की जिहड़ी फसल सीगी इसकी किन्नी फसल आ गई है और की पिछले समय पिछले साल के दौरान इस साल जिहड़ा एक डाटा नाल बणाउंदे जी उसने उस तो अगे चल रही है जां बराबरी चल रही है? इदां आ जिदा मैं कहा भी अपनी बासमती है कि पिछले साल नालों ज़्यादा लगी है, बासमती की जिहड़ी परचेज आ वो सारी प्राइवेट हुंदी है, बासमती इस टाइम मेरे हिसाब नाल अद्धे तो ज़्यादा मार्केट च आ चुकी है, 50% तो ज़्यादा तकरीबन 2.5 लाख के करीब उसकी परचेज ऑलरेडी बासमती की टप चुकी है, 2.5 तो ज़्यादा ही 2.75 होएगी शायद, तो जिहड़ी नॉन बासमती है वो लेट आउंदी है हले जिवें 1 तरीक तो मंडियां शुरू हुई हैं, पर इफेक्टिवली लाइए तो कल परसों तो शुरू हुई हैं, जिदा तकरीबन 30% आमद हो चुकी है जिन्ना टोटल अपना हैगा, ज़्यादा हले साडा बाबा बकाला इधर रही है तरसीका जंडियाला गुरु इधरले पासे हले अजनाला तो उधर हरी है हले थोड़ी लेट है, तो मेरे हिसाब नाल अगले 15 या 20 दिन के तकरीबन तकरीबन 80-90% कम मुक जूगा, जिहड़ी परमल नॉन बासमती है ऐतकी वो साडी घट एरिए ते है, पिछले साल साडा 3.5 लाख आया सीगा मीट्रिक टन नॉन बासमती,
मेरे हिसाब से ऐतकी 250-260 तो उपर नहीं जाएगा, एरिया घटिया तो नॉन बासमती का, तो जो ला के चलिए उस हिसाब 29% ऑलरेडी आ चुके हैं जो 2.5 लाख के लागे। तो गवर्नमेंट की सर खरीद इस दे विच बहुत घट रही, जिवें तुसीं दस्सिया बासमती प्राइवेट चले जाती है सारी, गवर्नमेंट की जी खरीद है इस दे विच लिफ्टिंग का ध्यान रखना होंदा और पेमेंट का सर ये कंटीन्यूअसली नाल नाल चलती जा रही है? एबसोल्यूटली, जिहड़ा ना अज भी मंडिया च भी मैं आप किसानों नाल गल करके भी कदों आए जे तो कहते अज सवेरे ही आए, जिन्हें भी 8-10 जणे ने पुछया तो कोई भी मैनू यह नहीं मिले भी कल का आया तो अज हले उत्थे खड़ा है, सेम डे माल साफ हो गए तुलाई हो के तो सांभिया जा रहा, पेमेंट नैक्सट डे 48 घंटे तो पहला पेमेंट हो जाती है। तो जिदा मैं क्या ले माल की शॉर्टेज है तो लिफ्टिंग प्लैन जो लिंकेज प्लैन बड़ा अच्छा बनाया है कि हैडक्वार्टर लैवल से मैं गल करा तो बड़ा तारीफ योग है, जोड़े आर ओ वगैरह बड़े सीजन तो पहले ही कट के सारे क्लीयर है भी किन्ने कितों माल चकना है, वो सिस्टम ऐतकी बहुत अच्छा इंपरूव होया, सारा कंप्यूटराइज होया सारा, हाँ तो वो सारी मंडिया के लिफ्टिंग नालों नाल हो जाती है, जिदन अज ही परचेज हुई अज ही भराई हुई तो अज ही लिफ्टिंग हो रही है, तो ऑलरेडी जी 100% तो उत्ते चल रही साडा तो 48 आवर्स पेमेंट तो 72 आवर्स के लिफ्टिंग दोनों साड़ी 100% तो उपर चल रही है। सर इस दे विच जिहड़ी प्राइवेट खरीद होंदी सर उस दे विच एक होर नज़र रखनी जी कि किसानों नूं रेट वाजिब मिले, प्राइवेट खरीद किसी घट ना चले जाए, इस नूं लैके भी सर कोई शिकायत नहीं है जां इह स्मूथली चल रही है? जिहड़ी बासमती की गल करिए जिवें पिछले दस रहे पिछले 10-15 दिन तो चल ही रही है तकरीबन, अज भी मार्केट जिवें गल कर रहे 1500 नूं झाड़ थोड़ा घट निकलिया पर वो कहते भी ठीक है कंपनसेट आ भी सानूं 3500-3600 रेट मिली जांदा उहदे नाल बराबर जे सानूं ठीक है, तो जिहड़ा दूसरा हैगा अपना नॉन बासमती का इहदा झाड़ ही चंगा होया 33-34 क्विंटल के करीब जो कह रहे हैं एवरेज, तो झाड़ भी चंगा रेट भी सेम डे पैसे भी सेम डे मिली जाते, लोग पीपल आर हैप्पी आई थिंक कोई इदा। सर इस बार बरसात काफ़ी हुई, हालांकि बरसात चंगी रही है झोने या बासमती फसल में, बट जोड़े हाड़ आए थे ब्यास का कुछ एरिया सेगा उत्थे प्रभावित हो कुछ रावी में थोड़ा टच किया जिस नाल इस लैके कोई फसल के असर देखता कोई झाड़ को इस करके झाड़ कटिया ज थोड़ा झाड़ कटिया ज ठीक है झाड़ बराबर है? नहीं मैं तो यही कह रहा नॉन फॉर्मल तो वध्या जी सब जो हाँ वध्या हूँ यही नहीं पता नैगेटिव असर है या पॉजिटिव असर है कुछ कह नहीं सकते, पर थोड़ा वध के ही आया पिछले वाले नालों क्विंटल जरा 1500-9 का जरूर घटिया क्विंटल 1.5 क्विंटल पर रेट नाल लोग खुश ने भी रेट ठीक मिल रहा था हड़ करके नहीं नहीं हड़ा करके तो नहीं है वो तो मतलब वैसे वैसे ही कुदरती है जी। पर मेरा आखिरी सवाल है जो हड़ां की गल निकली कुछ एरिया जिते नुकसान होया सी उत्थे तुसी कंपनसेशन पहुँचाती सी जां पेमेंट हो गई सर उन्हां दी जां अपने बचाई रहा सी? साढ़े ना अपने एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट जिवें देखिया देखो खेतों जिहदा पानी आया वह कंपनसेशन भी असं तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब बन चुके हैं ऑलरेडी बन चुके हैं जिहड़ा कि 86-87% टोटल का बनता, जिहड़ा 12-13% रहिंदा वह इस करके आ भी जिते कितें कॉमन खाते दे विच बहुत ज़्यादा बंदे आ ते वो सारे दी मतलब एक किले दे विच 10 नाम आ वो डिटेलां सारियां उन्हां दियां लैणियां या कोई बंदे कोई बाहर NRI आ जां डिटेलां नहीं मिल रही बट साढ़े ऑफिसर्स लगे हुए हैं वो भी हो जाएगा मतलब मेजरली जिहड़े बंदा अवेलेबल है तो जिहदा हैगा उन्हें कंपनसेशन दे दिता गया, नॉट ओनली दैट जिहड़ा घरां दा कच्चे घरां दा पक्के घरां दा वो सारा कंपनसेशन जिहड़े साढ़े ड्यू सी ऑलमोस्ट कंप्लीट देते, कोई जो पशुओं का भी सी माड़ा मोटा कितने 3 गावों का 3 मझां का या कैटल शेड कोई गिर गए सारे असी कंपनसेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिते। सर किसानों को कीरते तुसी की कहना चाहते हो जिनी भी फसल जी कटाई होने वाली आ जे कोई तुसी साढ़े चैनल लाई किसानों को अपील करना चाहो जिले दे? देखो पहली अपील तो मेरी फिर है जी पिछले 2 महीने तो असं कॉन्सटेंटली कर रहे हैं कि पराली को अग ना लाई जाए, थोड़े आप के फसल जमीन वास्ते भी वो फायदेमंद नहीं है नुकसानदेह है जमीन वास्ते भी, दूसरा वातावरण वास्ते नुकसान है ही है, कला अपना वातावरण यही चीज़ है कोई इंडिविजुअल तक तो रहती नहीं सारे तक जाती है, आपके बच्चों ने असी आपके बजुर्गों ने सह लेना तो यही हवा च फिर जो बजुर्ग हैं या बच्चे छोटे हैं ज़्यादा तकलीफ मानते हैं एज कंपेयर टू यंग, वी शुड अंडरसटैंड द प्रॉब्लम दूसरों की समझनी चाहिए है, तो एक तो इस चीज़ तो असी गुरेज करिए सारे बेलर शेलर सब अवेलेबल हैगा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सैकेंड जी अपील हैगी है कि जो झोना वढ़ के लैके आ रहे हैं वह अपना नवी जी हैगी है एक दो जगह पर अब जिमें देखे ढेरियाँ 24-25% है उन्होंने टाइम लगता बाद दिक्कत भी आती है सो 17 तक लिया पैंता,
ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਯਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਕੱਟਣ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਜੀ, ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, FIRs ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਵੇਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।